प्रदेश में हो रही भारी बारिश का कहर अब नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर छड़ोल के समीप लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया है। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक ने बड़ी ही मुश्किल से ट्रक पर नियंत्रण पाया, नहीं तो खाई में गिर सकता था। वहीं लैंडस्लाइड के चलते अब एनएच 205 पर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोग और पर्यटक अब लंबे जाम में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली के साथ लगता मार्ग जामली शिमला यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे लगघाट मलोन लोहारघाट जयनगर आदि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण इसका कारण अभी कुछ दिन पहले ही चला था, लेकिन इसके चलते ही और सड़क खराब होने के कारण अभी यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण इस मार्ग पर हर रोज 3 बसों की आवाजाही होती है। नालागढ़ से जयनगर और शिमला से जामली व शिमला से जियोरी पनन जाती है, लेकिन पूरी तरह से यातायात ठप हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई नंदलाल चंदेल ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला है और काम पर लेबर को युद्ध स्तर पर काम पर लगाया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ के सावन माह के दूसरे सोमवार को भी मौसम साफ रहने पर श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव के दर्शन किए। पिछले मेले की अपेक्षा इस बार भी श्रद्धालुओं की तादाद में बढ़ोतरी रही। वहीं प्रशासन द्वारा भी किए गए पुख्ता प्रबंधों के कारण श्रद्धालुओं ने आराम से दर्शन किए। मंदिर न्यास अधिकारी एवं तहसीलदार पवन कुमार व न्यास सदस्यों में अनिल शर्मा, ओमकार सूद, गुरबचन सिंह, गोपाल पाधा, अनिल अवस्थी, विनोद कौशल, संदीप गर्ग आदि ने भी मंदिर में आकर सुविधा व कार्य का जायजा लिया। मंदिर में कपाट आज सुबह 3 बजे खोल दिए गए थे, तभी से भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी और पूरा दिन श्रद्धालु कतारों में दिखे। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन करने से पहले मंदिर के समीप बने खीर गंगा घाट में स्नान किया। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुबह से लेकर शाम तक भंडारे व लंगर का विशेष प्रबंध किया गया था। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दोस्ती के एक मिसाल देखने को मिली। जब पंजाब से बरनाला मोड़ खन्ना से आए दोस्तों ने अपने अपंग दोस्त को साइकिल सहित मंदिर के समीप पहुंचा दिया। पौड़ियों की कठिन चढ़ाई साइकिल सहित चढ़ाकर दोस्त को मां के दर्शन करवाए और मां का शुभ आशीर्वाद उसे दिलवाया। ऐसी अनूठी दोस्ती की मिसाल देखकर सब हैरान हो गए। श्री नैना देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए गुफा से मंदिर तक लगभग 150 पौड़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अपंग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन पंजाब से आए दोस्तों ने अपने एक अपंग दोस्त को साइकिल सहित पौड़ियों की चढ़ाई चढ़ाकर मंदिर के समीप पहुंचाया और मां के दर्शन करवाए। अपंग श्रद्धालु भी इस दोस्ती की मिसाल से काफी खुश हुआ। उसने भी बताया कि दोस्तों के प्रयास से ही उसने मां के दर्शन किए हैं और उसे अच्छे दर्शन हुए हैं। ज्वालामुखी मंदिर में प्राचीन रघुनाथ लाल शिवालय मंदिर में हर साल की तरह श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को भी 52वां वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने भोले शंकर के जयकारे भी लगाए और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी श्रवण महीने में शिव महापुराण की कथा भी इस महीने में स्थानीय लोगों को सुनाई जाती है और रामायण पाठ भी लोगों को सुनाया जाता है। इस दिन श्रवण महीने के चौथे सोमवार को महाशिव पुराण व
रामायण पाठ की पूर्ण आहुति में सैकड़ों शिव भक्तों ने पूर्ण आहुति डाली और पुण्य का फल प्राप्त किया। सभी भक्तों ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि भोले शंकर को सावन महीना अति प्रिय है। इस महीने में भोलेनाथ पर भक्त बेलपत्र, भांग, दूध, दही और धतूरा चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सावन महीने में जैसे प्रकृति हरी भरी रहती है, वैसे ही सभी भक्तों के घरों में सुख समृद्धि रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नूरपुर आर्य कॉलेज को बंद रखा गया और कॉलेज के बाहर छात्र व छात्राओं द्वारा प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कुछ समय के लिए एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दिए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता और कुछ बच्चे एबीवीपी द्वारा कॉलेज बंद करने का विरोध कर रहे थे और कॉलेज के अंदर जाना चाहते थे, जिसके कारण कॉलेज के गेट के बाहर कुछ देर के लिए छात्र व छात्राओं को धक्का मुक्की करते हुए देखा गया। एबीवीपी के नगर अध्यक्ष रवि मेहरा ने बताया कि कॉलेज में कुछ जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र व छात्राओं द्वारा प्रदेश सरकार व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया गया।